Как успехи? वेलकम बैक टू माई रियली न्यू व्लॉग। इन दिस व्लॉग, आज के व्लॉग में हम लोग करेंगे थोड़ी सी अनबॉक्सिंग, थोड़ी सी स्टेशनरी हाउल करेंगे, बिल्कुल रैंडम थिंग्स हैं ये सारी चीज़ें जो मैं आज ही बाजार से लेके आई हूँ, तो मैंने सोचा आज ही इसकी बना लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर तो आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें गाइज, और मेरी चैनल का बेल आइकन भी ऑन कर दें क्योंकि आगे बहुत मज़ेदार वीडियोज़ आने वाली हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं ये दो जार्स लेके आई हूँ, यू नो कि ये इतने एस्थेटिक लगते हैं जार, ये सब मैंने अपनी करीब की लोकल मार्केट से शॉपिंग किया है, तो मैं आप लोगों को प्राइसेस बता देती हूँ, लेकिन ये मैंने लोकल मार्केट से किया है। और सही है, तो ये दो जार्स लाइक इसके अंदर अगर पेंट वगैरह और अगर इसके ऊपर पेंट किया जाए तो वी विल मेक अनदर वीडियो ऑन दीज जार टू, लेकिन आई जस्ट मुझे बहुत अच्छे प्राइस में मिल गए हैं दो जार्स एंड और ये काफ़ी अच्छे लगते हैं एस्थेटिक और इस तरह के, तो ये मुझे दोनों जो है 300 रुपीज़ के पड़े हैं एट अ लोकल मार्केट। सो पेंटिंग के लिए ये, और फिर रैंडमली शॉपिंग कर रहे थे हम लोग और आई जस्ट नीड दीज थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पेंट ब्रश चाहिए थे, वो भी स्क्वायर नेप वाला, सो आई जस्ट बॉट देम, जैसे मुझे नज़र आया आई जस्ट बॉट देम एंड दे आर लिटरली सो ब्यूटीफुल। ज़रा देखिए, मतलब क्वालिटी, मुझे ट्रांसपेरेंट तो वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे चाहिए भी ये वाले थे, इसके बहुत मुझे सही लगी है इसके ब्रशेज, और ये ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ना बहुत ज़्यादा हार्ड है, ये बिल्कुल सही है एंड आई जस्ट गॉट, और ये मुझे पड़े हैं 190 रुपीज़ के। उसके बाद मैं लेके आई ये स्केच बुक जिसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी एंड इट वाज लाइक ये स्केच बुक है, ये कोई सिंपल ऑर्डिनरी स्केच बुक नहीं है, और मुझे ये हार्ड पेपर वाली स्केच बुक चाहिए थी, इसका पेपर लाइक बहुत ज्यादा हार्ड है एज नो सबसे, तो एक स्केच बुक ले लिया। फिर जर्नलिंग के लिए मैं देख रही थी इर्द गिर्द के शॉप्स में, तो मुझे जर्नलिंग के लिए इतने क्यूट स्टिकर्स मिले और मैंने तो बिना कुछ देखे ले लिया। स्केचबुक की प्राइस जो है वो मैं मेंशन कर दूंगी, और जो स्टिकर्स हैं उसको मैं आपको खोल कर खाती हूँ। ये स्टिकर्स लाइक जर्नलिंग के पर्पज से मुझे बहुत अच्छे लगे क्योंकि उसमें भी ऐसे स्टिकर्स यूज होते हैं, तो मैंने तो और कुछ नहीं देखा, मैंने फौरन ले लिया। गाइज स्टिकर्स इतने क्यूट लग रहे हैं ब्लू कलर में विद द ट्रांसपेरेंट शीट, लाइक बहुत एस्थेटिक लग रहे हैं गाइज, फॉर रियल दीज आर लुकिंग सो गॉर्जियस, लिटरली लाइट के रिफ्लेक्शन से इतने क्यूट लग रहे थे जिसकी कोई हद भी नहीं है। सो हम इसको बॉटल्स पर भी वैसे लगा सकते हैं, चलें देखते हैं हम इससे क्या करते हैं। और ये बिल्कुल सेम वही पैकेट है लेकिन ये गोल्ड येलो कलर में, इसकी भी प्राइस 80-80 है, तो ये मुझे दो पैकेट्स जो हैं वो 160 रुपीज़ के पड़े हैं। कि इसकी भी जब लाइट से रिफ्लेक्शन हो रही थी ये इतना प्यारा नहीं लग रहा जितना वो ब्लू वाला ज़्यादा प्यारा लग रहा था ना। ये दो पैकेट्स मैंने स्टिकर्स के लिए, एक और पैकेट स्टिकर्स का लिया, ये बहुत प्यारे लाइक ये वॉल स्टिकर्स हैं और इसकी प्राइस है 150 रुपीज़, और इट वॉज लाइक ये सिल्वर स्टिकर्स हैं वॉल स्टिकर्स, और ये इतने प्यारे, आप इनके रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, इसकी रिफ्लेक्शन कलरफुल है, आई गेस इस पेपर को कुछ कहते हैं, इफ़ यू नो डू टेल मी इन कमेंट सेक्शन। ये रिफ्लेक्शन में इतने क्यूट लग रहे हैं, इतने क्यूट लग रहे हैं, दे आर लुकिंग सो एस्थेटिक। मैं इसको बताऊंगी, मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि इसको मैं किधर डेकोर कर रही हूँ इसका। सो ये 3 साइजेस में थे, स्मॉल मीडियम एंड लार्ज। ये मैंने 3 स्टिकर के पैकेट्स लिए, उसके बाद मैंने कुछ ब्लैक बॉल पॉइंट्स लिए मंगस
ठीक है। और एनिमल्स ड्रॉ करने के लिए एक यूनिवॉल का पेन लिया जो बहुत स्मूथ है, और एक जर्नलिंग के लिए ग्लू लिया। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। बाय बाय।